हेलो दोस्तों, अगर आप कुछ कीचैन पे हार्ड कीचैन पे कीचैन प्रिंटिंग करनी नहीं आती है तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, अगर आप हार्ड कीचैन पे शेप हार्ड कीचैन पे फोटो नहीं लगा पा रहे, उसका सिंपल तरीका यह है, आप हार्ड कीचैन को इस तरह से रख लें। उसके बाद बस आपको करना कुछ नहीं है, इसकी लंबाई चौड़ाई ले लें। ठीक है, आप देख रहे हैं जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर लीजिए, इससे आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से। अब इससे ये आसान ये हो जाएगा कि आपका इसी शेप के अंदर पूरा कीचैन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको नाप लेना है। अब आप नाप लीजिए कितना आ रहा है, देखिए 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक सेम सारे साइज होंगे, 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर में बन गया 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक और 1 से लेके 5 सेंटीमीटर। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आप खुद देखिए ये 1 से लेके ये 1 है और ये 4.5 हो रहा है, आप पूरा 5 सेंटीमीटर कर लीजिए। और फिर यहाँ से भी आप देख लीजिए 20 से मिडिल से लेके 1 से लेके 5 सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें आपको अभी दिखाया था, इस तरह से तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सीधे कंप्यूटर पर ले चलता हूँ और वहाँ बताता हूँ कि किस हिसाब से आपको ये कीचैन बनानी है, कीचैन का जो है शेप बनाना है आपको कंप्यूटर पे। ठीक है, चलिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ गए हैं लैपटॉप पे। लैपटॉप पे हमने जो है फोटोशॉप को खोल लिया है। फोटोशॉप खोलने के बाद वो करना कैसे, कैसे प्रिंट करना है, कैसे हमको यहाँ पे शेप बना के उसमें फ़ोटो लगानी है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले कंट्रोल टी कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल एन कर लेते हैं। कंट्रोल एन से हमारी नई फाइल खुल जाएगी, वहाँ पर हमें जो है पेज ले लेना है। पेज हमको लेना है A4 पेज लेने के बाद ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेप ले लेना है। शेप आपको रेक्टेंगल टूल लेना है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद कंट्रोल टी कर लेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद हम यहाँ पे जो है 5 सेंटीमीटर इसका साइज ले लेंगे, जैसे कि हमने वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमने उसको नापा था तो 5 सेंटीमीटर आ रहा था, 5 सेंटीमीटर साइज हो गया। साइज लेने के बाद आपको करना क्या है, इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद इसको आपको ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है। एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों, बहुत खुशी की बात है ये। अब हम करेंगे क्या, अब हम फ़ोटो लेके आएंगे। तो फ़ोटो लेके आने के लिए हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। ड्रैग करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इस फोटो पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद पकड़े रहिएगा और इसको खींच के जो है इस वाले पेज पे ले आइए। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब इसको कंट्रोल टी कर लेते हैं। कंट्रोल टी करने से होगा क्या कि हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। शिफ्ट के साथ करिएगा, शिफ्ट के साथ ये एक रेशियो में होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, फ़ोटो हमेशा शेप के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जो आपने शेप 5x5 सेंटीमीटर बनाया है उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इसको अप्लाई कर देना है। अब देखिए, हाँ यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ देखिए, लेयर नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, लेयर दिखाने के लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे देखिए लेयर का ऑप्शन दे रखा है, लेयर पे क्लिक कर लेना है, लेयर आ जाएगा। अब क्लिपिंग मास में लेयर का ही खेल है। करना क्या है आपको, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो फोटो दे रखी है फ़ोटो ऊपर होनी चाहिए और शेप नीचे होना चाहिए। देखिए शेप वन दे रखा है, अब आपको एल्टर दबाना है और एल्टर दबाने के बाद आपको लेयर और शेप के मिड में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए क्लिपिंग मास्क हो गया दोस्तों, तालियां बजाइए यहीं पे क्योंकि ये काम हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग कर लिया ओके, ये हो गया ड्रैग। कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा आप, एक्चुअली शॉप पे बैठा हूँ इसीलिए आवाज़ आ रही है। ठीक है, बाहर गाड़ियों की, तो उससे डिस्टर्ब मत होइएगा क्योंकि हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है,
तो इसको क्या करना है आपको, ड्रैग करके नीचे कर लेना हल्का सा, क्योंकि हार्ट शेप में किचन होगा तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, तो आप फोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा, नीचे कर लीजिएगा जिससे कि दिक्कत ना आए, ठीक है। आपका किचन पे अच्छी तरीके से ये बैठ जाए फोटो, तो नीचे कर लीजिएगा क्योंकि ऊपर से थोड़ा मुड़ाव होता है हार्ट किचन में, ठीक है। अगर स्क्वायर की बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हार्ट किचन बना रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा जिससे कि चेहरे पर कटिंग ना आए। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको फिर अप्लाई कर देना है। मैं एंटर इसलिए नहीं दबा रहा हूँ कि कैमरा बार बार बंद हो जाता है, ठीक है, सॉरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है इसी वजह से। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ पी करना है। अब ये आप प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करना आप जानते हैं क्योंकि इससे पहले आप सारी चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद कटिंग कर लेनी, कटिंग करने के बाद आपको जो है उस पर किचन पे सेट करके बैठा के उसको हीट दे के आप प्रिंट कर सकते हैं किचन का, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर नई अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।